चंडीगढ़ में कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी गुलाम नबी आजाद, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी सैलजा की मौजूदगी में यह घोषणा पत्र जारी किया गया। इस दौरान मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन और चेयरपर्सन किरण चौधरी, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में कई वादे किए, हरियाणा की जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की गई। कांग्रेस के अपने मैनिफेस्टो में सरकार बनने पर 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने की घोषणा की गई। इसके अलावा पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। बीपीएल महिलाओं के लिए हर माह 2000 रुपये चूल्हा खर्च देने की घोषणा की गई। इसके अलावा बेरोजगारों को 10,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाने की बात भी कही गई है। दसवीं के छात्रों को 12,000 और 12वीं के छात्रों को 15,000 रुपये सालाना वजीफा देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाने का वादा भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया है। आइए सुनते हैं कि जिस वक्त यह घोषणा पत्र जारी किया गया उसके बाद में क्या कहा गया। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी मैनिफेस्टो है जिसमें समाज के हर एक वर्ग का ख्याल रखा गया। हमारे देश की लोकसंख्या का आधा हिस्सा हमारी बहनों, बहु बेटियों, माओं पर निर्भर है, उनका विशेष ध्यान रखा गया। बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, समाज में उनका कैसे मान सम्मान हो, और सर्विस में और राजनीति में, दोनों में किस तरह से हमारी बहु बेटियों और माओं बहनों को बराबर का हिस्सा मिले। हमने हर वर्ग का ध्यान रखा है अपने संकल्प पत्र में, चाहे महिला उत्थान की बात हो। आजाद साहब ने नजर डाली, महिलाओं के रोजगार के लिए हम 33% आरक्षण रखेंगे, निजी क्षेत्र में भी, सरकारी में भी। मैं बातों को दोहराना नहीं चाहूंगी, बहुत से बिंदु हैं, आप खुद देखेंगे। दलितों के लिए, बच्चों के लिए, जहां इन्होंने तो वजीफे हमारे दलित बच्चों के लिए के खा गए, घोटाले पे घोटाले हुए, हम दलित वर्ग के बच्चों को वजीफा देंगे। पहली से दसवीं कक्षा तक 12,000 रुपया सालाना तथा 11वीं से 12वीं तक 15,000 रुपया सालाना हम वजीफे देंगे। हम बीपीएल परिवारों के घर निर्माण के लिए 1,50,000 रुपया देंगे, और जहां जो प्लॉटों से वंचित रह गए, इस सरकार ने एक भी प्लॉट नहीं दिया, उनको भी देंगे। 50,000 रुपया मरम्मत के लिए देंगे, चौपालों के लिए, किसानों के लिए। हम जैसे कि हमारे दूसरे राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार आई, हमने घंटों में, दिनों में कर्जे माफ किए, उसी तरह से हम हरियाणा में भी माफ करेंगे।